हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास सिक्स स्पीक्स इंग्लिश का चैप्टर सिक्स द राइटर्स किंग, इसके वर्ड पावर को। इसके पहले जो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन था हमने पार्ट वन पार्ट टू में कवर किया था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो द राइटर्स किंग की वर्ड पावर को। वर्ड पावर 2A, फर्स्ट है आपका मेक नाउन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। दिए गए जो एडजेक्टिव हैं उनसे आपको नाउन बनाना है। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल जो है काम का बना हुआ कामनेस, एनी रवर से जोड़ने के बाद विक्ट, विक्ट से बनेगा विक्टनेस दुष्टता, गुड, गुड से बनेगा गुडनेस, माइल्ड से बनेगा आपका माइल्डनेस, राइटियस से बनेगा आपका राइटियसनेस, एनी डबल एस सेल्फिश सेल्फिशनेस, विलिंग और विलिंगनेस, सभी में हमें एन ई डबल ऐड कर देना है और हमारे सारे जो होंगे वो एडजेक्टिव से नाउन बन जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। दिए गए वर्ड्स जो है उनकी मीनिंग से आपको मैच करनी है। फर्स्ट आपका ए में वर्ड्स हैं, बी में इसका मीन है। फर्स्ट है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? वन कैरिंग ओनली फॉर वन सेल्फ ऑन द नॉट फॉर अदर, जो केवल अपने लिए सोचता है वो होता है सेल्फिश। तो फर्स्ट का आपका होगा एट से मैच करेंगे। सेकंड है आपका चैरिटियर, सारथी। सारथी का मतलब होता है वन हु ड्राइव अ चैरियट, जो रथ को चलाता है। सेकंड का आपका होगा थर्ड। थर्ड है आपका राइटियसनेस, न्यायप्रियता। इसका क्या करेंगे मैच? फॉलोइंग द रूल ऑफ राइट कंडक्ट, जो सच्चे रूल्स को फॉलो करता है वो होता है राइटनेस। तो थर्ड का आपका होगा सेवन से मैच करेंगे। फोर्थ है आपका मर्सी, दया। दया का क्या होता है? पिटी और काइंडनेस शोन टू समवन इंस्टीड ऑफ पनिशिंग हिम, किसी को दंड देने के बजाय दया दिखाना वो होती है मर्सी। फोर्थ का आपका होगा सिक्स से मैच करेंगे। नेक्स्ट है आपका कोर्टियर मतलब दरबारी, तो इसका मैच करेंगे अ पर्सन इन अटेंडेंस एट द कोर्ट ऑफ किंग, जो राजा के दरबार में होता है। तो आपका फिफ्थ का होगा फोर्थ के साथ मैच करेंगे। कार ट्रैक एक रास्ता, अ पाथ मेड बाय कार, जो गाड़ियों के द्वारा बन जाता है। तो सिक्स का आपका मैच करेंगे टू से। नेक्स्ट है आपका कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र, लैंड आउटसाइड टाउन एंड सिटीज विथ फील्ड वुड एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो सेवन का आपका मैच होगा फर्स्ट से। वर्च्यू सद्गुण, इसका होगा बिहेवियर दैट सो हाई मोरल स्टैंडर्ड, ठीक है, एट का फिफ्थ से। तो ऊपर से आप देखेंगे अगर तो आप आएगा सेवन सिक्स टू फाइव एट फोर थ्री वन, ठीक है। फर्स्ट का एट के साथ में, सेकंड का आपका होगा थर्ड के साथ में, थर्ड का आपका होगा सेवन के साथ में, फोर्थ का मैच किया हम लोगों ने सिक्स के साथ में, फिफ्थ का फोर्थ के साथ में, सिक्स का टू के साथ में, सेवन का फर्स्ट के साथ में, और एट का जो है वो हमने मैच किया है फिफ्थ के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अन एम डिस इन आर सम ऑफ मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होते हैं जो कि शब्द के आगे लगते हैं। एट देम बिफोर फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, तो दिए गए शब्दों के आगे लगाना है और नए वर्ड्स बनाने हैं। कौन कौन से? अन इम डिस इन, ये चार हैं। फर्स्ट है आपका जस्ट का होता है अनजस्ट, नेचुरल का होता है अननेचुरल, मोबाइल का इमोबाइल, करेक्ट का होगा इनकरेक्ट। सेम जो वर्ड है उनमें आपको केवल इन लगा देना है। हेल्दी के आगे हम अन लगा देंगे, आपका अनहेल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट का होगा इनडायरेक्ट। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो वर्ड्स हैं उनके आगे लगाना है क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब ही होता है आपका जो पहले लगने वाले हो। फिट का होगा अनफिट, लाइक का होगा डिसलाइक, इनएक्टिव का होगा इनएक्टिव, ओबे का होगा डिसओबे, ठीक है। ये थी हमारी वर्ड पावर। नेक्स्ट आपका कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।